नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर विवाद बढ़ा ही जा रहा है, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल की घेराबंदी तेज कर दी है। मैं आपको बता दें कि पूरा विवाद क्या है। दरअसल एक टाइम्स नाउ चैनल ने पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल के आवास पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि लाखों के पर्दे और महंगे विदेशी मार्बल से आवास को सजाया गया है, जिसके बाद से ही भाजपा और कांग्रेस ने आपको घेर लिया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ उस समय खर्च किए गए जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रहा था। सचदेवा ने कहा, केजरीवाल को अपने उस नैतिक आधार के बारे में दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए जिसके तहत उन्होंने अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जब कोविड के दौर में अधिकांश सार्वजनिक विकास कार्य ठप थे। ये तो हुई बीजेपी की बात। अब आपको बता देते हैं कि इस पर कांग्रेस ने किस तरह से वार किया है और केजरीवाल के लिए क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने केजरीवाल के लोक सेवक के रूप में अपने पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठा दिए हैं। माकन ने कहा कि केजरीवाल ने कथित तौर पर अपने आलीशान बंगले पर सार्वजनिक धन के 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें वियतनाम मार्बल, महंगे पर्दे और महंगे कालीन जैसी फालतू चीजें शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने और एक आम आदमी की तरह रहने की प्रतिज्ञा करने के बावजूद केजरीवाल ने अपने बंगले पर एक बड़ी राशि ऐसे समय खर्च की जब दिल्ली के लोगों को कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त मांग थी और उन्हें मिल नहीं पा रहा था, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने केजरीवाल का साथ देते हुए उस ही चैनल से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास 75 से 80 साल पहले 1942 में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के ऑडिट के बाद इसके जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ये नवीनीकरण नहीं था और पुराने ढांचे के स्थान पर एक नया ढांचा बनाया गया है। वहां उनका शिविर कार्यालय भी है। खर्च लगभग 44 करोड़ रुपए है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि पुराने ढांचे को नए के साथ बदला गया है, यानी कि उसमें नए बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि इस बंगले के विवाद पर केजरीवाल कैसे भाजपा और कांग्रेस को जवाब देते हैं, क्योंकि कोविड के दौर पर इस तरह से इतना पैसा लगाना और लगातार राजनीतिक घमासान मचना, इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जवाब आना बनता है। तो जो भी जवाब होगा वो आपके समक्ष हम जरूर पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।